फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी इन यूरोप। तो आज जो है कि हम लोग आए हुए हैं जैपनीज गार्डन घूमने के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे एंट्री गेट है। और आज बहुत दिनों के बाद मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि बारिश 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 हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो हमने सोचा कि चलो, थोड़ा वीकेंड भी आज, सोचा कि चलो घूम आते हैं बाहर, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और थोड़ा अच्छा अच्छा सा, मतलब क्या है ना कि नेचर ना, जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद नेचर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने कहा चलो आज गार्डन घूम के आते हैं। फिर तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कितनी, मतलब कितना एंट्री फीस है। तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कितना एंट्री फीस है यहाँ पे। तो चलो फिर चलते हैं और अच्छा अच्छा नज़ारों की जो है कि मज़े लेते हैं। हेलो, और यहाँ तो लाइन लगी हुई है। यहाँ पे है टिकट काउंटर, अभी हम लोग टिकट वगैरह ले लेते हैं फिर एंट्री करते हैं। टिकट तो हमने ले लिया है। यहाँ पे जो टिकट्स के प्राइस है वो 21 ज़लोटी है पर पर्सन अडल्ट्स के लिए। और बाकी डिटेल जो है कि टिकट्स के रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो आप देख लेना वहाँ से। तो यहाँ पे जो ऐप यूज़ करते हैं, जो नास रोकला ऐप है, उसके थ्रू अगर आप टिकट वगैरह मतलब बुक करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वो 15 ज़लोटी पर पर्सन पड़ता है। तो हमें तो याद ही नहीं रहा, तो हमने किया ही नहीं, तो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया। बट नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि पहले हम कहीं भी जाते हैं तो चलो ठीक हो, चिको चलो चलो चलो, यहाँ चिको फुल टू एंजॉय कर रहा है अपना। तो यहाँ पे जो है कि टिकट वगैरह पंच हो जाता है और फिर उसके बाद एंट्री हो जाती है यहाँ से। और हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं, अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो शुरू में कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, कितनी सुंदर लग रहा है। पेड़ ये पूरा पीला हो गया है और ये देखो, ये पूरा रेड रेड तो नहीं बोल के पिंक पिंक सा हो रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। वाओ, तो यहाँ पे तो आप बस नज़ारों का ना मतलब आनंद ही ले, बस आनंद लेते रहो। कुछ पेड़ों के जो पत्ते हैं स्टार्ट हो गए हैं, येलो हो गए हैं, कईयों के रेड हो रहे हैं, पिंक हो रहे हैं। तो यहाँ से है एंट्री गार्डन की फाइनल एंट्री। वाओ वाओ, कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब मैं ना पहले ना उसमें देखती थी बहुत ज़्यादा, जैसे वीडियोस वगैरह में, कि हाँ ऐसे पीले पीले मतलब पत्ते हो जाते हैं। लास्ट टाइम तो हम नहीं आ पाए थे, बट इस बार मैं हम लोग आए हुए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं खुद भी देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। बस आप लोग बस देखते जाओ नज़ारे, सुंदर लग रहा है ना। इसी का ही पानी है ये, बोर्ड दिख रही है, बोर्ड देखते हैं पॉन्ड की साइड कैसा है रास्ता। ये कम तो यहाँ पे जो है कि स्टॉलर वगैरह नहीं चला सकते हैं, तो हम चिकू को लेकर नहीं आए, मतलब मैं जा रही हूँ आगे, इसके पापा जो है कि एक बार घूम गए हैं यहाँ से, तो मैंने कहा चलो
मैं आपको यहाँ का दिखा देती हूँ कितना सुंदर है ये सच में। तो ये पॉन्ड है, मुझे मतलब झरने का पानी है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए बना रखा है ताकि बैठ के लोग अपना जैसे अच्छे से व्यू ले सके यहाँ पे। और ये देखो यार कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर है यार ये तो, ये देखो वाओ। मतलब ये येलो पिंक और ये जो ऑरेंज कलर है ना, यू नो इस गार्डन की ना जो ब्यूटी को ना बढ़ा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉलर वगैरह जो है कि उठा के लेके जा रहे हैं वो, अब बच्चों के साथ आएंगे तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ये मेहनत। तो लगता है हमें भी यहाँ तक लाना पड़ेगा स्टॉलर उठा के, और मैं देखती हूँ उसके पापा से कहती हूँ फिर लेकर आएंगे। तो इसके पापा जहाँ खड़े थे वहाँ पे तो दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, और मैं उन्हें ढूंढ एक बार घूम आई हूँ वहाँ से, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए घूमो तो इसके पापा जो है कि यहाँ से उधर की साइड से स्टॉलर खड़ा करके, कि स्टॉलर चला नहीं पा रहे तो वहाँ खड़ा करके मतलब एंट्री गेट पे, तब इधर आ गए उस साइड से। अब मैं इधर से जाऊँगी तो उधर से मुझे मिल जाएंगे, तो चलो फिर चलते हैं उनके पास। तो यहाँ से मैं आई थी ठीक है, तो उसके पापा वहाँ स्टॉलर वगैरह खड़ा करके तब इधर आए, और इधर से देखो कितना सुंदर सा व्यू है। ये वाला पुल बंद है, नहीं तो फिर हमें ईजी होता और स्टॉलर लाने में भी ईजी होता। और यहाँ पे भी कुछ बना रखा है ऐसे बैठने के लिए, क्योंकि घूम घूम के अगर थक जाओ, बच्चे थक जाते हो, तो जगह जगह मतलब बना रखा है बैठने के लिए। और यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल सा है, इसके पापा कह रहे हैं आ गए ही हैं, तो चलो फिर देखते हैं इसके पापा कहाँ हैं, पहले तो इसके पापा को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं कि देखो फोटो भी क्लिक कर रहे हैं लोग, यहाँ पे नीचे बहुत सारी फिशेस हैं। चीकू के पापा, चीकू कम छोड़ दो नीचे, उसे खेलने दो। चीकू मम्मा कहाँ है, चीकू कम 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 कम, ये आराम से स्लोली 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 स्लोली। और चीकू ने कितना पिंक सा कितना सुंदर सा मैंने इसके लगाया है पत्ती लगाई हुई है, लीफ कितनी सुंदर लग रही है। ये चीकू अपना दिखा रहे, दिखा दिखा दो, दिखा दो लीफ, दिखा दो लीफ। ये क्या कर रहे हो आप, खेल रहे हो, खेल लो, अच्छा थोड़ी देर बस देखते रहने दो बस। और ये देखो कुछ पर्पल से ना, ये देखो ये बेरी से आ रहे हैं, अब पता नहीं ये जहरीले ना हो सुंदर लग रहा है पर पर्पल। चीकू ये कौन सा कलर है, व्हाट ये कलर कौन सा है, देखो व्हाट्स द कलर, इट्स अ पर्पल, आप उसे निकालना मत, पता नहीं, हाँ पता नहीं कैसा है ना, इट्स अ पर्पल कलर। अच्छा फिश देख रहे हैं वो, देखो बच्चे फिश देख रहे हैं, फिश देखते हैं हम, फिश संभाल के ये देखो कितनी बड़ी फिश है, देखो चिको ये देखो कितनी बड़ी फिश है, देखो फिश हाँ पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है, देखो देखो इस लड़की को देखो, शरारते देखो इसकी, शरारते देखो इसकी, हाँ 11 के बाद 12 13 14। तो ये बहुत थका देता है घुमा घुमा के, इधर उधर भगाता रहता है हमेशा। अब इसके पापा इसको लेके चल रहे हैं, ये यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा जी को पापा, और है जगह जाने के लिए, यहाँ से क्लोज है, उस साइड से हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो गेट बंद है, और जगह जगह गेट जो है बंद कर रखे हैं, और यहाँ से ये छोटे वाले पुल से हमें जाना पड़ेगा उस साइड। तो ये थोड़ा चढ़ना पड़ता है,
लायन से बैंड हो रखा है ना इसलिए। और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है यहाँ से। वो वाला पुल अगर खुला होता ना तो मतलब इजी हो जाता इधर से उधर जाने में, तो मे भी शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए बंद कर रखा है। और इधर देखो और ये थोड़ा सा वो है ना, लेकिन बीच में ब्रेक दे रखा है बट वो तैरने में थोड़ा सा। आप कहाँ जा रहे हो? ये देखो वो चढ़ रहा है उस पर पुल के ऊपर। तो बूंदा बांदी जो है कि स्टार्ट हो गई है फिर। और ये नहीं है यार, ये मंथ ही पूरा ना मतलब ऐसे जा रहा है, बारिश बारिश बारिश, बादल बारिश। तो यहीं से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। जिम किया? बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये फाउंटेन, बट वो चले तब तो दिखे भी कुछ अच्छा सुंदर सा लगे। और यहाँ पे देखो ये पौधे तो और ही इसकी जो खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं आगे से कैसा लग रहा है, ये पूरा घूम के वहाँ तक देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सा पत्तियाँ, कितनी कलरफुल है ना, सुंदर लग रही हैं। और यहाँ चिकू को उतार दिया हमने थोड़ा सा खेलने के लिए कि थोड़ा खेल ले, यहाँ पे थोड़ा खुला है ना तो यहाँ पे हम लोग पकड़ पाएंगे, गिरेगा नहीं या कम गिरेगा। आजो आजो आजो, वाओ वेरी गुड, वाओ क्लैपिंग। चलो काउंटिंग कर दो। अच्छा डैडी को दिखाने गए, क्लैपिंग कर रहे हैं, वाओ। तो यहाँ पे देखो कितना अंधेरा हो गया है और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 4:30 हो रहा है और बहुत ही क्लाउडी हो गया इस समय। तो बारिश भी हो सकती है क्योंकि आज था थोड़ा बहुत बारिश, तो पहले तो बूंदाबांदी हो रही थी पर बारिश हुई नहीं, बट अब हो सकती है। और देखते हैं थोड़ी देर और वेट करते हैं, नाइट व्यू भी देख लेते हैं यहाँ पर कैसा आता है और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ पर चिकू बहुत खेल रहा है, मज़े कर रहा है बहुत। स्टेयर्स पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, बहुत मज़े कर रहा है। ओपन 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 ओपन, ओके ये ओपन सब सरप्राइज। हाँ मैम पी लो। ये बोलना है भाई ओपन ओपन के बाद की भी सरप्राइज, तब जाके उन्होंने कुछ करना आगे। अरे वाह उसने स्टेयर्स गिन लिया कि 12 स्टेयर्स हैं। वो तरते वक्त 9 ही हुआ, अब कैसे काउंटिंग हो रही। तो यहाँ पे जैसे देखो देख सकते हैं कि अब फाउंटेन वाले वो लगे हुए हैं, ये तो यहाँ फाउंटेन चलता होगा, अभी नहीं चल रहा है तो पता नहीं है कि कब चलता है, लेकिन क्या पता समर में चलता होगा ये तो बड़ा अच्छा लगता होगा। और कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड भी यहाँ से होके गई है तो बता रही थी कि कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर प्रोग्राम भी हुआ था, तो म्यूज़िक फाउंटेन का था यहाँ पर प्रोग्राम, तो वो आई थी घूम कर गई थी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल चलते हैं, अब क्या ही नाइट व्यू देखना, थोड़ा सा ना ठंडा हो गया काफ़ी ज़्यादा और चीकू भी काफ़ी देर से बाहर ऐसे घूम रहे हैं, तो सोच रहे हैं अभी यहाँ से निकल लेते हैं। और ये देखो कितना बड़ा, ये पता नहीं क्या है, पिलर टाइप का लग रहा है, बहुत बड़ा है यार। हाँ डिज़ाइन सब बना रखा है, कुछ ऐसे ही लगा रखा है बट बहुत बड़ा है, काफ़ी ऊँचा है। तो यहाँ पे कुछ ना पुरानी चीज़ें बेच रहे हैं लोग, एंटिक टाइप की।
तो ये हमारी कैब आ गई। चलो बेटा बैठे अंदर। तो अभी चिकू और हम लोग सब कैब में बैठ गए मजे से। चिकू तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और आज जो हमारा प्लान था ना सिर्फ जापानीज गार्डन घूमने का ही था, लेकिन जो मैं भी ना ये लाइटिंग वाला जो कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है इन लोगों ने, तो हमने कहा चलो ठीक है आए हुए हैं तो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी विजिट किया हम लोगों ने। तो मैंने जो है कि जैपनीज गार्डन वाला ब्लॉग सेपरेट रखा है और जो हमारा ये जू वाला ब्लॉग है वो सेपरेट रखा है, तो दोनों अलग अलग आएगा क्योंकि इस तरह बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।